वेलकम बैक टू माई चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपी मेट्रो रेल का तरफ से आई टी आई डिप्लोमा बी ई बी टेक पर स्टूडेंट के लिए दो हज़ार चौबीस साल में एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है जिसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आज शुरू हो गया है और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आप दस मिनट का वीडियो देख के अपने मोबाइल से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं करेक्टली फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको किसी बाहर के साइबर कैफ़े में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए मेरा वीडियो को फॉलो करके तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाला हर टेक्निकल जॉब का सबसे सब पहले नोटिफिकेशन मेरा यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा आप लिंक पर क्लिक करना और आपका सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा आपको नीचे आ जाना है और क्लिक हेट टू रजिस्टर्ड एज न्यू यूजर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है इंस्ट्रक्शन पेज ओपन हो जाएगा आपको क्लोज कर लेना है और आपको नीचे आ जाना है इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको टोटल फिल कर लेना है सबसे पहले कैंडिडेट्स नेम एज़ पर टेंथ सर्टिफिकेट कैंडिडेट का फुल नेम आपको इधर फिल करना है नेक्स्ट नीचे आपको मोबाइल नंबर आपको देना है और कंफर्म करने के लिए सेम मोबाइल नंबर और एक बार आपको टाइप करना है नीचे आपको मेल आईडी डालना है और कंफर्म करने के लिए आपको सेम मेल आईडी और एक बार टाइप करना है और जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट कैप्चा ऑथेंटिकेशन आपको करना है कैप्चा फिल करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना नेक्स्ट आपको ओके okay ऑप्शन पर क्लिक करना है नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर पर ओ रिसीव होगा ओ फिल करने के बाद आपको वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है वैलिडेट होने के बाद आपको कैप्चा देखे आई एग्री ऑप्शन चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और आपको री वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है री वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका सामने तीन चेकबॉक्स आएगा जिसमें कैंडिडेट नेम मोबाइल नंबर और मेल आईडी के लिए आएगा तीनों चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करके आपको रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है नेक्स्ट अलर्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा आपको ओके okay ऑप्शन पर क्लिक करना है और पेज का नीचे सबमिट ऑप्शन मिलेगा सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड हो जाएगा और आपका सामने एप्लीकेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा गो टू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपका सामने एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा नेक्स्ट पोस्ट अप्लाइड डिटेल्स इसमें एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर बाय डिफॉल्ट फील होके आ जाएगा नेचर ऑफ पोस्ट इसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दो पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर मैं फॉर्म फिलअप करके अभी आपको दिखा रहा हूँ दोनों पोस्ट का सेम फॉर्म फिलअप प्रोसीजर है अब प्लीज़ सिलेक्ट द पोस्ट आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ पोस्ट कोड बाय डिफॉल्ट फील के आ जाएगा इसके बाद आपको पूछा जा रहा है आप यू पी एम आर सी एल यू पी मेट्रो रेल का रेगुलर एम्प्लॉई है या नहीं अगर नहीं है तो नो ऑप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको पूछ रहा है आप आपका उत्तर प्रदेश का डोमिशियल सर्टिफिकेट है मतलब तो आप उत्तर प्रदेश का अगर निवासी है तो आपको इस एस पे सिलेक्ट करना है अगर आप बाहर किसी भी स्टेट से है तो आपको नो no ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है और आप अगर उत्तर प्रदेश से बाहर कैटेगरी आप बाहर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका सामने सिर्फ एक ही कैटेगरी मिलेगा अनडिज़र्व कैटेगरी मिलेगा और उत्तर प्रदेश से अगर आप है तो आपको हर कैटेगरी मिलेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जेंडर आपको सिलेक्ट करना है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डेट ऑफ बर्थ आपको देना है और इसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स का पेज फिल होके आ जाएगा इसमें कैंडिडेट नेम बाय डिफॉल्ट पहले से फिल होकर रहेगा आपको मैरिटल करना है आप मैरिड अनमैरिड विडो डिवोर्स आपको सिलेक्ट करना है इसके बाद फादर्स नेम और मदर्स नेम आपको डालना है नेशनैलिटी आपको सिलेक्ट करना है और नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपका जो नंबर रजिस्ट्रेशन का टाइम आप फिल किए थे उसी का नीचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा और मेल आईडी डी का नीचे अल्टरनेट मेल आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप अल्टरनेट मेल आईडी और अल्टरनेट मोबाइल नंबर को फिल कर लीजिए और आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा उस पर आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिटेल्स का पेज है इसमें प्रेजेंट एड्रेस डिटेल मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स आपको फिल करना है और इसमें जिसमें रेड स्टार है उसको आपको जरूर फिल करना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इस परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर सिलेक्ट करने के बाद परमानेंट एड्रेस भी बाय डिफॉल्ट फिल हो जाएगा अगर दोनों एड्रेस आपका अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको अलग अलग फ़िल करना है और इस पर आपको नो ऑप्शन पर तब क्लिक करना है और आपको दोनों एड्रेस फिल करने का बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिए नेक्स्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स पेज ओपन हो जाएगा सबसे पहले मेटिकुलेशन टेंथ डिटेल्स आपको फिल करना है आप कौन सा बोर्ड या काउंसिल से पास आउट किए उसी का नाम आपको फ़िल करना पड़ेगा चार ऑप्शन मिलेगा यूपी बोर्ड आई सीबीएसई और आदर्श बोर्ड अगर आप आदर्श बोर्ड से आदर्श बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आदर्श मिलेगा उसी में आपका बोर्ड का नाम आपको फ़िल करना है आप कब पास आउट किए हैं इंस्टीट्यूट का नाम क्या था क्या क्या आपका सब्जेक्ट था आपको कितना परसेंटेज मार्क्स मिला था वो आपको फिल करना है इस पोस्ट के लिए ट्वेल्थ पर डिटेल्स मतलब इंटरमीडिएट डिटेल्स देना कंपलसरी है आप कौन सा बोर्ड से पास आउट किए उस बोर्ड का नाम क्या क्या आपका पासिंग साल क्या था इंस्टीट्यूट का नाम क्या था क्या क्या सब्जेक्ट था और कितना परसेंटेज आपको मार्क्स मिला था इस पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका आई सर्टिफिकेट होना चाहिए एन या एस से वो आपको चूज़ कर लेना है कब पास आउट किए इंस्टीट्यूट का नाम क्या था और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका क्या था ये फ़िल करने के बाद आपको सेवन नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा इसमें सबसे पहले आपको टेस्ट सिटी डिटेल फिल करना है इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलेगा तीन चॉइस आपको आप इधर रखना है तो आप अपने हिसाब से चॉइस को रखिएगा इसी में से जो आपका पहला ऑप्शन होता है उसी में एग्जाम सेंटर होने का चांस नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन इसका बाद आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा जिसका साइज़ आप देख लीजिए पचास से अस्सी के का बीच में होना है जे और जेपैक फॉर्मेट में होना है और डायमेंशन थ्री पॉइंट फाइव इंटू फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होना है सिग्नेचर का साइज दस से तीस के भी है और फॉर्मेट जे और जे अलाउड है और इधर आपको नीचे एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिखना है एक वाइट पेपर में आपका नेम सिग्नेचर डेट आपको लिखना है और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा उसमें आपको क्या लिखना है इसमें जो आप देख रहे हैं आई सोलेमली अंडरटेक टू एक्सेप्ट एंड अवाइड बाई द रूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश मेट्रोरियल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसमें जो आपको कोटेशन आई से शुरू हुआ है और लास्ट में देखिए अगेंस्ट मी कोटेशन क्लोज हुआ है इधर तक आपको लिखना है और इधर आपको लेफ्ट साइड में कैंडिडेट नेम आपको लिखना है और फिर आपको इधर पोस्ट बेस देना है और इसमें आपको कैंडिडेट का नेम आपको अंडरलाइन में लिखना है और इधर आपको राइट साइड में कैंडिडेट सिग्नेचर करना है ऐसे आपको लिखना नहीं कि कैंडिडेट सिग्नेचर ओनली कैंडिडेट सिग्नेचर करेगा और उसका नीचे डेट देगा ओके बट लेफ्ट साइड में जो आप कैंडिडेट का नाम लिखेंगे उसमें आपको लिखना है कैंडिडेट नेम उसमें आप कैंडिडेट का नेम लिखिएगा राइट साइड में सिर्फ सिग्नेचर और डेट होगा और इसी को आप व्हाइट पेपर में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखिएगा और फोटो खींच के आपको तीसरा जो ऑप्शन मिल रहा है हैंड रिटन डिक्लेरेशन का इसी में आपको अपलोड करना पड़ेगा इसका साइज 100kb से 1mb तक हो सकता है जेपीजी पीडीएफ जेपैक फॉर्मेट हो सकता है ओके okay, इन तीनों चीज़ को अपलोड करने के बाद आपको नीचे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा इधर एगारह सौ अस्सी रुपया दिखा रहा है अनडिज़र्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए और कैप्चर को फिल करने के बाद प्रीव्यू सेक्शन पर आप क्लिक कर लीजिए प्रीव्यू सेक्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देख लीजिए अगर आपका कोई भी मिस्टेक होता है तो आप बैक ऑप्शन पर जाके अभी भी आप एडिट कर सकते हैं अगर आपका सब कुछ सही है तो पेज का नीचे ओके ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपका सामने सेम पेज आ जाएगा और आपको सबमिट ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए एस बी आई मॉप्स का पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाएगा इधर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं एस बी आई नेट बैंकिंग आधार बैंक का नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं एस बी आई डेबिट कार्ड आधार बैंक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सा पेमेंट कर सकते हैं और यू पी आई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट आप यू पी आई का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप पेमेंट जल्दी हो जाता है तो इधर आपको नीचे एक यू पी का ऑप्शन मिल जाता है इसमें आप क्लिक करके यू पी भी डाल सकते हैं अदरवाइज़ क्यू कोड कोड क्लिक करके इसमें आप कन्फर्म कर दीजिए आपका सामने क्यू कोड जेनरेट हो जाएगा और इसी में आप पे नाउ कर दीजिए पे नाउ करने के बाद आपका यू पी ऐप से पेमेंट को आप कंफर्म कर लीजिए पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं अगर ये पेज आपका सामने से हट जाता है तो आप लॉग इन करके फिर से अपने फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का पी डी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पर तो जब भी आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा तो ये था फॉर्म अप्लाई करने का फुल प्रोसीजर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय